स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। तो भाई पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ कबूतरों की बीमारी से लेके। तो भाई पिछले कुछ दिनों से कुछ भाइयों के फ़ोन आने लग रहे हैं कि भाई कबूतरी अंडे नहीं रख रही है, या कुछ भाइयों के कबूतर पैरालाइज हो जाते हैं। जैसे कबूतरी अंडे रख रही है, अंडे रखने के बाद वो कबूतरी पैरालाइज हो जाती है। तो भाई इस टॉपिक को लेकर आज तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा। तो भाई जो चैनल पर पहली बार आए भाई तो वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करे भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आजकल जो है, एक तो आपका जो कबूतरों का लंबे टाइम से जोड़ा लगा रहता ना, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं कबूतरों में आती है। ये वो ऊपर गिर जाते हैं या फिर पैरों से लंगड़े हो जाते हैं। तो भाई ये पैरालाइज नहीं होते इससे कबूतर, इनमें कबूतरों में ना कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और जो कबूतरियाँ अंडे नहीं रख रही है वो काफ़ी टाइम से जोड़े में होती है, जिस वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है और वो अंडे रखना बंद कर देती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई कबूतरी कच्चे अंडे रख रही है तो भाई उसका अलग मैटर है, क्योंकि आजकल अब सभी जो है पंजाबी कबूतर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, तो उनको मिट्टी वगैरह वे अच्छे तरीके से खा नहीं पाते, जिस वजह से कबूतरों में कैल्शियम की कमी रहती है और जो नई पट्टी होती है वो कच्चे अंडे वगैरह रखती रहती है। तो भाई आपने जो ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर, अपने कबूतरों को एक तो भाई दाना जो हम डालते हैं वो पलट पलट कर डालना चाहिए, और भाई जो दूसरी बात है, आप अपने कबूतरों को भाई कच्ची ईंट जितनी हो सके ना भाई फोड़ के वो डाल जाओ, ठीक है। और भाई जो ये कबूतर पैरालाइज हो जाते हैं उनके लिए भाई मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, जिसके बाद जो है आपके कबूतर भाई 2 या 3 दिन के अंदर जो है अच्छे से ठीक हो जाएंगे। कोई कबूतर पैरालाइज है तो उसको दवाई देंगे तो वो भी कबूतर 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और भाई जिन भाइयों की कबूतरियाँ अंडे नहीं रखती तो भाई मैं उनके लिए बता देता हूँ, भाई जो कबूतरी काफ़ी टाइम से जोड़े में है उनका जोड़ा पाड़ दो और उस दिन के लिए कबूतर कबूतरी को अलग रखो, ताकि कबूतरी जो है भाई जो 4-5 साल से जोड़े में अंडे रख रही है, बच्चे निकाल लिया, अंडे रख रही है, बच्चे निकाल लिया, तो नॉर्मल सी बात है उसके अंदर कैल्शियम की कमी अपने आप आ जाएगी, जिसकी वजह से भाई कबूतरी अंडे रखना बंद कर देगी, ठीक है दोस्तों। तो भाई उस कबूतरी का जोड़ा पाड़ के अलग कर दो, उसको दाना पानी चेंज करके दो और जितना हो सके उसको ईंट गिरो और रोटी डालो। और भाई मैं एक गोली बता देता हूँ आपको, कैल्शियम एंड विटामिन 3 की गोली आएगी टैबलेट का, एक पत्ता ले आना। तो सभी भाई उसको जिस कबूतरी को वो प्रॉब्लम आ जाती है अंडे नहीं रख रही है, पहले तो आपने उसका जोड़ा पाड़ना अलग कर देना उसको, ठीक है। और फिर भाई आपको सुबह शाम वो कबूतरी को गोली देनी है और जितना हो सके कबूतरों को भाई पिल्ली ईट डालो, ताकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी रहे, ठीक है दोस्तों। तो भाई जो भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं भाई चैनल पर, तो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तुम्हारा भाई टाइम टाइम पर भाई कबूतरों से रिलेटेड बीमारी के बारे में वीडियो डालता रहता है। पहले बहुत सारी वीडियो डाली है जिससे बहुत से भाइयों के कबूतरों की जान बचती रहती है, ठीक है दोस्तों। और भाई दूसरी बात आती है भाई, जो कबूतरी जो है अंडा छोटा रख देती है साइज में उसको लगे, तो भाई वो कबूतरी है ना जो कबूतरी होती है पट्टी होती है हमारी, हम पहली बार जोड़ा लगाते हैं, साइज अंडे का छोटा रहता है, तो भाई वो बात अलग होती है, उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है, क्योंकि अंडा जो छोटा होता ना वो जो पट्टी होती है हमारी फर्स्ट टाइम जोड़ा लगाती है तो वो सभी कबूतरियाँ जो है एक्चुअली छोटा अंडा देती है, तो जब वो दोबारा कबूतरी अंडे रखेगी तो उसके अंडे का साइज ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करो भाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।